हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 54 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अगर कभी भी कॉल करते हैं तो कॉल करने पे आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप कॉल करते हैं और कॉल करने पर आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ऐसा पेज आएगा। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे करेंगे, देखिए इस कॉलिंग के ऐप को आप उंगली से दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है इस तरीके का। इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको सर्कल के अंदर ये जो आई बटन दिख रहा है इसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा ऐप इन्फो का। इसमें आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अगले पेज में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का और दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड आपका एक कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा। इसमें आपको डिलीट का बटन या ओके का बटन दिखेगा, इसे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट कर देना है, जिससे आपकी कॉल करने पे जो डिस्प्ले ऑफ हो जा रही है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको यहां पे अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का सिस्टम आपको एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट लिखना है, तो आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। इसे आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है, आपका फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा। इस सेटिंग को टैप कीजिए तो सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल करने पे डिस्प्ले ऑफ हो जा रही है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको आखिरी प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करिए, सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन मिलता है, रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। अब रीसेट ऑप्शन के इस पेज में आपको सबसे नीचे डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल पे डिस्प्ले ऑफ हो जाती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो आपकी जो कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना ही है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।